हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेकर आया हूँ हमारे मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल द्वारा कक्षा 10वीं का जो रिजल्ट है वो ओपन हो चुका है, आ चुका है। तो इसकी जानकारी मैं आपको लेकर आया हूँ। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ आप रिजल्ट किस प्रकार देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास दो वेबसाइट है, एक तो MP ऑनलाइन की वेबसाइट से आप रिजल्ट देख सकते हैं और दूसरा डायरेक्ट ही मध्य प्रदेश बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो मैंने दोनों जो वेबसाइट ओपन की हुई है। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश यानी mpbse.mponline.gov.in की जो वेबसाइट है वहां जाकर रिजल्ट 2020 के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। तो यहां पर जो है ऑप्शन आ जाता है, यहां पर आप रिजल्ट अपना देख सकते हैं। इसके बाद आप mpbse डायरेक्ट ही गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके पास एक होम पेज आएगा, उस पर इस प्रकार से आप डायरेक्ट ही रिजल्ट पर जाकर यहाँ से हाई स्कूल मार्च रिजल्ट 2020 देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आज रिजल्ट 4/7/2020 को 12 बजे डिक्लेयर कर दिया गया था। तो यहाँ से आप रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डालकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो अभी जो है बिना एप्लीकेशन के आपका जो है रिजल्ट नहीं खुलेगा। तो आपको रिजल्ट में एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर दोनों देने होंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक बता दूँ कि इसमें जो है सप्लीमेंट्री स्टूडेंट और टोटल ग्रांट क्या है, इसके लिए मैं आपको एक रिजल्ट खोल के बता दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं आगे की प्रोसेस पे, तो आप देख सकते हैं ये रिजल्ट जो है खुल चुका है। यहाँ पे आप सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप हिंदी में ए स्लैस का जो ऑप्शन है यहाँ पर रिमार्क में, तो इसका जो है यानी इसका कोई मार्क्स आपको नहीं दिया गया है। ये जो जर्नल प्रमोशन है इसमें कोई एग्जाम नहीं हुआ है, तो आपको डायरेक्टली पास कर दिया गया है। इसके बाद जो है आपके चार जो पांच एग्ज़ाम थे वो हो चुके थे, तो उनका जो है रिजल्ट बना है। तो टोटल ग्रांट्स आपका 500 होना था, तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो एक हैज लगा है, तो यहाँ पर जो है बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के अंतर्गत जो है टोटल के लिए एक सब्जेक्ट को छोड़ा गया है, यानी आपका जो ग्रांट टोटल है वो 400 लिया गया है, एक सब्जेक्ट आपका नहीं जोड़ा गया है। तो 6 में से 500 आपका होना था, तो यहाँ पर एक बेस्ट 5 के अंतर्गत जो है एक सब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है, तो इसके हिसाब से आपका रिजल्ट बनाया जाता है। अगर आपको फिर भी अगर कोई परेशानी या दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी कमेंट के माध्यम से हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसमें आप रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं या आंसर बुक देखना चाहते हैं तो इसके वीडियो भी आपको मेरे जो है यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। और साथ ही आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।